ऑर्किड रिसर्च सेंटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैशाली द एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। आज आए हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के टिपी गांव में। ये टिपी गांव है भारतकोंग एरिया में और यहाँ पे एक पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। इस पार्क का नाम है ऑर्किड पार्क। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्किड्स हैं। इस रिसर्च सेंटर में लाइक मोर देन 1000 स्पीशीज हैं ऑर्किड के। यहाँ पर ऑर्किड के लाइक मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा प्लांट्स लगाए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू कम हियर, अक्टूबर टू फरवरी का जो टाइम पीरियड है बेस्ट टाइम होता है। सी दिस प्लांट इज कॉल्ड ननहुड ऑर्किड। दिस प्लांट जनरली काम है ना एशिया या ये पैसिफिक ओशन की तरफ भी दिखता है ये। एंड इट कम्स इन 25 डिफरेंट कलर्स। ये रिसर्च सेंटर 10 हेक्टर्स के एरिया में पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। ये रिसर्च सेंटर में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई बिकॉज टाइम लिमिट था हमारे पास और ये जो पूरा एक दिन इसके लिए लग जाता था। फुल ऑफ ग्रीनरी, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, पंछियों की आवाज़ है। एंड दिस इज अ कोल्ड एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो हाउ इट्स लुकिंग ऑन अ इन वीडियो बट रियल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, एकदम शांति, सोशल प्लेस से काफ़ी दूर। रिसर्च सेंटर काफ़ी बड़ा है, ये एरिया काफ़ी बड़ा है। इस एरिया में मैं अकेली काफ़ी दूर अंदर आ गई थी तो थोड़ा सा डर लग रहा था, बट एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा है। चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़, इतना अच्छा लग रहा था। मौसम भी काफ़ी ठंडा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दिस इज जस्ट ऑसम। जितना अंदर जाओ उतना डीप जाने का मन करता है। शांति क्या होती है उसका बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ग्लास म्यूजियम है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। और ये आज का एपिसोड आपको कैसे लगा वो मुझे ज़रूर बताइए। सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।